होटल में रसोइयों की हत्या करने का प्रयास किया गया। मामूली बात पर हुई घटना से कुछ समय के लिए होटल में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। तहसील थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के दौरान वहां और भी ग्राहक मौजूद थे। अचानक हुए हमले से होटल में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। कुछ लोगों द्वारा बेच बचाव करने से शुभम की जान बच गई। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां अतिदक्षता विभाग में उस पर उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही तहसील थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप बुआ, उप निरीक्षक रमेश शेख आदि सदर बल मौके पर पहुंचे। बीएनएस की धारा 109, 351, 352 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पश्चात खोजबीन के दौरान आरोपी आफाक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस के रिमांड पर लिया गया है। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी शेफ शुभम उर्फ सोनू राजू ढवळे राहणार जरीपटका हा मोईनपुरा येथील मोईन फास्ट फूड या हॉटेलमध्ये शेफचं काम करतो। 22 सप्टेंबर रोजी रात्री तो हॉटेलमध्ये किचनमध्ये काम करत असताना सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी हा शेफ असून त्या ठिकाणी काम करत असताना आरोपी मोहम्मद आफाक उर्फ सलमान हा सदर हॉटेलमध्ये गेला होता। त्याच्या मोबाईलची बॅटरी डिस्चार्ज होत असल्याने चार्जिंगला लावण्यासाठी किचनमध्ये तो गेला होता। त्यावेळेस मोबाईल चार्जिंगला लावत असताना मोबाईलची वायर जी आहे किचनमध्ये काम करत असणाऱ्या शेफ शुभम याच्या कुकिंगच्या मटेरियलमध्ये पडली होती। त्यावेळेस त्यांनी त्या आरोपीला समजावून सांगितलं की बाबा इथे लावू नको किंवा व्यवस्थित लाव, इथलं कुकिंगचं साहित्य खराब होते। तेव्हा आरोपी सलमान याने फिर्यादी शुभम याला शिवीगाळ केली, त्यात प्रत्युत्तर दिल्याचा राग मनात धरून आरोपी सलमान याने चाकूने फिर्यादी शेफ शुभम ढवळे याच्या चेहऱ्यावर डाव्या बाजूस चाकूने वार करून त्याला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केलाय। त्यामध्ये शुभम ढवळे हा गंभीर जखमी झाला होता, वैद्यकीय उपचार करून त्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करून आरोपी मोहम्मद आफाक उर्फ सलमान याच्या विरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा भारतीय न्यायसंहिता कलम 109 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी सलमान याला अटक करण्यात आलेली असून माननीय न्यायालयाने त्याचा 2 दिवस PCR मंजूर केलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी मोहम्मद आफाक उर्फ सलमान याचा गुन्हे पार्श्वभूमी असून यापूर्वी त्याच्या विरुद्ध मारामारीचे गुन्हे आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।